हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज आपका स्वागत करती हूँ मैं इस सुंदर से मोगरा के फूल से। ये देखिए, ये छोटा सा प्लांट है मेरा और इसके ऊपर ये इतना बड़ा फ्लावर आया, तो बड़ी खुशी हो रही है इसको देख के भी, और साइज़ भी इसका काफ़ी बड़ा है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बनाने का मकसद है कि रेनी सीज़न में हमें क्या क्या काम कर लेने चाहिए और अपने पौधों की देखभाल कैसे करें। तो जब बारिश होती है तो सारे गमलों में खूब ज़्यादा पानी भर जाता है, और सबसे पहले तो इनके ड्रेनेज होल चेक करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि जितना भी पानी आ रहा है, हम बारिश को तो नहीं रोक सकते लेकिन अपने गमलों को ठीक ठाक रख सकते हैं। तो हम इनके ड्रेनेज होल चेक कर लें, ताकि बारिश का जो भी एक्स्ट्रा पानी गमले में आ रहा है वो साथ साथ निकलता जाए। दूसरी बात यह है कि बारिश में काफ़ी सारे कीड़े पेस्ट वगैरह का अटैक होता है, तो उससे बचने के लिए सभी अपने गमलों में फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। हम इसे पानी में घोल के तो नहीं डाल पाएंगे क्योंकि बारिश का पानी ऑलरेडी काफ़ी है गमलों में, तो हम इसे मिट्टी में मिक्स कर दें और जब गमले का पानी सूखे तो इसके ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हम इसमें पेस्ट को कंट्रोल के लिए शाम के टाइम थोड़े से सोप वाटर में नीम ऑयल मिला के स्प्रे करें, कम से कम वीक में एक बार, तो ये कीड़े मकोड़ों से बचे रहेंगे। और बारिश का मौसम इतना अच्छा होता है, कटिंग्स लगाएं। सर्दी के भी आप अपने प्लांट्स की कटिंग्स लगा सकते हैं, जैसे अब ये क्रिसेंथमम है, इसकी कटिंग्स लगाने का टाइम है, तो इस तरह की कटिंग्स आप लगा सकते हैं। कुछ मैंने भी लगाई है, मैं आपको शो करूँगी। और प्लांट्स देखिए रेनी सीजन में कितने हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन अगर इनमें पानी रुक गया और इनकी अच्छी देखभाल नहीं हुई तो ये ख़राब ही हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज जो दिखा रही हूँ ये मेरा यहाँ पर ये चांदनी का प्लांट है, छोटी वाली चांदनी, तो इसकी फ्लावरिंग थोड़ी सी कम आ रही है। आ तो रही है लेकिन कम कर रहा है फ्लावरिंग। तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसे बहुत टाइम से रिपोर्ट नहीं किया, तो अब बारिशें रिपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छी हैं। तो ये मेरा काफ़ी बड़ा गमला है, तो मैं इसकी हालत दिखाती हूँ, इसकी हालत क्या हुई थी। इसकी रूट्स को तो मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है, और ये देखिए, ये इसके साइड्स में भी ना, ये इसकी वॉल पे गमले की ये इस तरह से पूरी ये रूट्स जमी पड़ी हैं, तो इस वजह से इसकी ग्रोथ ना रुकी पड़ी थी। तो अभी मैंने इसका ड्रेनेज होल वगैरह सब मैं चेक कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको शो करती हूँ। तो ये इसका ड्रेनेज होल मैं चेक कर रही थी, तो ये काफ़ी जाम हुआ पड़ा था, इसमें जो ठीकरी लगी हुई है ना, इससे जाम हुआ पड़ा था ये। तो मेरे को इसकी, ये देखिए रूट्स का हाल भी देखिए, तो मैं इसको निकाल के ये दोबारा से लगा के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने इसका होल चेक किया, तो ये वैसे भी थोड़ा सा छोटा था, मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया बारिश में, क्योंकि काफ़ी दिक्कत होती है। गमला भी मेरा काफ़ी बड़ा है, और ये ठीकरी तो ठीक थी, लेकिन ये इसकी जड़ों ने इसे इतनी बुरी तरह से पकड़ा हुआ था। तो ये देखिए, ये ठीकरी का जो ऐसा गोल वाला हिस्सा है, इसको नीचे करके इस तरह से लगाएंगे हम ये, और इसके बाद में इसमें कुछ लीफ वगैरह डाल के इसके बाद में इसमें मिट्टी डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरे गार्डन की कुछ सूखी पत्तियाँ हैं, बारिश से तो गीली हो गई हैं, लेकिन मैं इसको नीचे की तरफ डाल रही हूँ, इससे क्या होगा कि मिट्टी भी कम लगेगी। तो ये मिट्टी में कुछ नई मिट्टी डाल देती हूँ और कुछ वही वाली मिट्टी इसमें मिक्स कर देती हूँ, और इसमें मैं मिलाऊँगी ये वही खाद है जो ओखला वाली मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। वहाँ पे ओखला में प्लांट लगा हुआ, ये वेस्ट जो होता है ना, किचन वेस्ट जाता है, उसकी खाद बनाई जाती है, तो ये वाली यूज़ करती हूँ मैं। इसमें थोड़ा फंगीसाइड मिला के और फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। ये मेरा चांदनी का प्लांट है, इसी गमले में था पहले ये, तो इसको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। मैंने मिट्टी भर ली है इसके लेवल तक, और इसको सीधा बिठा के अब मैं इसमें बाकी की मिट्टी फिल कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह साइड से अच्छे से दबा के भरेंगे ताकि एयर पॉकेट्स निकल जाएं। इस तरह से हमने मिट्टी भर ली, और अब इसमें वाटरिंग का टाइम है, तो मैं वाटरिंग करती हूँ। तो अब हम इसे
वाटरिंग करेंगे इसकी और उतना पानी डालूंगी ताकि ये नीचे से निकल जाए फर्स्ट टाइम। वैसे तो बारिश में कम पानी की ज़रूरत होती, लेकिन इसकी मिट्टी में इतना पानी नहीं था तो मैंने इसको पूरा फिल कर दिया। धीरे धीरे पानी नीचे निकल जाएगा क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई रिपोर्टिंग की बात। अब जो कटिंग्स हम बरसात में लगा सकते हैं, अभी जैसे विंटर के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना उनकी भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये एक सुबह कटिंग लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो इसके पत्ते को पहचान के आप बताएंगे मुझे कि ये कौन सा। ये वाइन है, इस पर रेड कलर के फूल आते हैं बट मुझे इसका नाम नहीं पता है। तो इसकी मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स, ये देखिए, ये इसमें फंजीसाइड के पानी में भिगो करके रखी हैं, और एक ये लंटाना की कटिंग। तो ये आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि ये किस चीज़ का कि वाइन है। और इस पर रेड कलर के बहुत सुंदर फूल आते हैं लेकिन विंटर्स में आते हैं। तो ये कटिंग्स मैंने ये सैंड तैयार करके रखा हुआ है, इसमें फंजीसाइड डाल के मैं इसको इनको सबको इसमें लगा दूँगी। और जो मैंने कुछ ग्रो करके रखे हैं वो भी मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, मैंने कुछ कलेंचों की लगाई हुई है, देसी वाले कलेंचों की कटिंग्स, क्योंकि बरसात में फटाफट तैयार हो जाती है हमारी कटिंग्स। और ये मैंने कुछ लगा दी हैं इसकी क्रिसेंथमम की कटिंग्स, और ये मैंने थोड़ा पहले लगाई थी, ये अच्छी ग्रोथ पे है। और यहाँ पर ये मैंने पुदीना लगाया हुआ है, मैंने इसको ऐसे लिटा के लगाया ताकि इसमें और ज़्यादा रूट्स बन जाए। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसे ट्राई कीजिए। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा पुदीना ज़्यादा निकल के आता है, अगर हम स्ट्रेट करके लगाते हैं तो उसमें कम निकलता है। तो बस आज मुझे यही शेयर करना था, और प्लीज़ आप ये वाले प्लांट के बारे में मुझे बताइए। मैंने इसकी हार्डवुड और सॉफ्टवुड हर तरह की कटिंग ली है, देखते हैं क्या ग्रो होता है। और अगर मेरे पास, जैसे कि मैं बताती हूँ कि मेरे पास धूप कम आती है, अगर मेरे यहाँ ये ग्रो नहीं हो पाएगा तो मेरे सामने जो पार्क है ना, मैं प्लांट्स तैयार करके उसमें लगा के आऊँगी इनको। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।